तो अब सवाल यह है कि आपकी कंपनी के अंदर जब जिम्मेदारियों की बात आती है, आपकी टीम के अंदर जब जिम्मेदारी देने की बारी आती है, कितने लोग सामने से खड़ा होकर ये बोलते हैं सर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूं, और कितने लोग ऐसे हैं जो कोना मापते। तो आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि कई बार हम ऐसा सोचते हैं हमारे साथ काम करने वाली टीम है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है, कई बार हमारे साथ काम करने वाला ग्रुप होता है। तो अब हम यहां पर देखेंगे ग्रुप के अंदर और टीम के अंदर क्या अंतर है। ग्रुप के अंदर काम करने वाले जो लोग होते हैं वो डिफाइंड अलग अलग तरीके से उनका डाइवर्ट होता है विजन, और वो विजन जो होता है उनका अलग तरीके से वो अपना प्लानिंग लेकर चलते हैं कि मैं मेरे हिसाब से चलूंगा, कंपनी का विजन चाहे जो भी हो। दूसरे लोग जो होते हैं वो वर्क जो है वो इंडिविजुअल करते हैं, खुद एफर्ट करते हैं और ये सोच लेकर चलते हैं कि मेरी टीम को जो करना है वो करेगा, मैं मेरा काम करता रहूंगा और कंपनी ग्रो होती रहेगी। ऐसा जो होता है वो ग्रुप के अंदर चलता है। फिर ग्रुप के अंदर क्या होता है, बहस होता है। एक ही बात को लेकर जो एक साथ लोग होने चाहिए उसकी जगह एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, और एक दूसरे के खिलाफ होने के कारण कोई भी काम को प्रॉपर ढंग से वो कर ही नहीं पाते हैं। बात बात के ऊपर बहस होती है, बात बात के ऊपर सीनियर और जूनियर लड़ते हैं, आपस के अंदर ही चीजों को बिगाड़ देते हैं। फिर कई बार आप लोगों को दिया देखा होगा इंडिविजुअल्स रूल्स होते हैं, सीनियर लोग कुछ हो जाते हैं वो अपने नियम अलग बना लेते हैं, जूनियर लोग जो हो जाते हैं उनके लिए कुछ अलग नियम होते हैं, और कुछ स्पेशल लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कंपनी को अपने हिसाब से नियम के हिसाब से चलाते हैं। तो इस तरीके से इंडिविजुअल रूल्स जब कंपनी के अंदर बनना शुरू हो जाता है वहां पर ग्रुपरिज्म होता है कि सर इनके लिए तो अलग से नियम बना है और हमारे लिए अलग नियम है। ऐसे चैलेंजेस भी आप लोगों को आती है क्योंकि वहां पर ग्रुप बना हुआ है। फिर क्या होता है, किसी भी तरीके का नो सपोर्ट सिस्टम। हर बंदा अपना बेस्ट देता है, हर बंदा ये सोचकर अपना एफर्ट करता है कि मैंने तो मेरा काम कंप्लीट कर लिया, और अगला बंदा ये सोच लेता है कि उसका काम हो गया, लेकिन जब एंड में रिजल्ट के ऊपर बारी आती है तो सब लोग एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाते और एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं कि ये काम नहीं हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, सर ये लोग जिम्मेदार है। तो वहां पर जो काम होता है वो ग्रुप वाला हो गया है, टीम वाला हुआ नहीं है, क्योंकि टीम वर्क के अंदर जहां पर काम होता है वहां पर सबसे बड़ी चीज वन विजन होता है, और वन विजन का मतलब ही ये है कि कंपनी के ग्रोथ के लिए हमें काम करना है, कंपनी ने जो विजन लिया है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। उनका खुद का ईगो रह जाता है साइड पर और वो फोकस करके आते हैं कि मुझे कंपनी के ग्रोथ के लिए काम करना है, और वो कंपनी के ग्रोथ के हिसाब से ही अपना विजन और अपना काम जो है वो डिफाइन करते हैं। दूसरी चीज होती है वर्क टूगेदर, जहां पर एक साथ लोग इकट्ठा हो जाते हैं और एक साथ मिलकर लोग काम करना शुरू कर देते हैं। वहां पर कोई भी चीज किसी को बोली नहीं जाती है, हर इंसान अपनी जिम्मेदारी समझता है और अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है। जैसे आपने वीडियो के अंदर देखा, हर लोग अपनी लाइन जो है वो अपने हिसाब से उन्होंने डिफाइन कर ली और हर बंदे ने अपनी पोजिशन ले ली, किसी को बोलना नहीं पड़ा, लीडर को बताना पड़ा कि सब लोग एक लाइन में लग जाओ। यस, फिर होता है वन रूल फॉर ऑल, एक ही नियम है वही नियम सब लोगों के लिए लागू पड़ेगा, कोई भी बंदा किसी के लिए फेवरेट नहीं होगा या कोई भी बंदा किसी के लिए पुराना या नया नहीं होगा, सबके लिए एक ही नियम होगा, और वही नियम को आपको हर टीम मेंबर को फॉलो करवाना पड़ेगा और वो फॉलो कंटिन्यूस होना चाहिए। फिर आपको देखना पड़ेगा सपोर्ट ईच अदर, क्या एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं या एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। कई बार होता यह है सपोर्ट की जब बारी आती है तो कुछ लोग एक साथ इकट्ठा होकर ग्रो करते हैं, और कई लोग जब सपोर्ट की बारी आती है तो खाली दिखावा करते हैं, सपोर्ट करते नहीं है। तो ग्रुप के अंदर ये नहीं होना चाहिए, टीम के अंदर ये होना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज एक दूसरे के साथ तालमेल होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो टीम जहां पर काम करती है वहां पर एक साथ मिलकर एकजुट होकर कंपनी के गोल को अचीव करते हैं।
तो अब आपको फिर से अपने आपको क्वेश्चन करना है, आपके वहां ग्रुप काम कर रहा है या आपके वहां टीम काम कर रही है। अगर ग्रुप काम कर रहा है तो आज के बाद उस ग्रुप को तोड़ना है और आपको सबको अलाइन करना है और एक टीम बनाकर आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि कई बार होता यह है कि जब आप ग्रुप बनाकर काम करते हो तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहूंगा जिससे आपको क्लियरिटी होगी कि आपको अपनी टीम को किस तरीके से अलाइन करना है। जब आपके वहां ग्रुप काम करता है तो आपकी टीम में काम करने वाले जितने भी लोग हैं उन लोगों का सेटअप कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है कि आपकी टीम में काम करने वाले अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों की दिशा जो है वो इस तरीके से होती है। अलग अलग दिशा लोग पकड़ लेते हैं और सब लोग अपना एफर्ट जो है वो अलग अलग दिशा में लगाते हैं और इस तरीके से जब अलग अलग दिशा में एफर्ट लगता है टीम के अंदर जो ग्रोथ कंपनी को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि हर टीम मेंबर जो आपके साथ काम करने वाला है उसको एक ही गोल देना पड़ेगा, एक ही जगह पर उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा और सबका एफर्ट जो है वो एक ही दिशा के अंदर होना चाहिए, तब जाकर कंपनी जो है वो ग्रो करेगी। तो आपको ऑलवेज ये ध्यान रखना है कि इस तरीके का अगर आपने सेटअप अपनी कंपनी के अंदर किया हुआ है या इस तरीके के लोग अगर आपके वहां है तो आपकी कंपनी में ग्रुप है, आपकी कंपनी में टीम नहीं है और ये कभी भी सक्सेसफुली काम नहीं करेगा। आपको सबके गोल को एक ही दिशा में लेकर जाना है और एक ही दिशा में उनको आगे बढ़ाना है और उनको टीम में कन्वर्ट करना है। क्या आप लोग करेंगे? यस, ग्रेट। अब हम आगे बात करते हैं कि अगर टीम को हमें ग्रुप ना बनाकर टीम को हमें टीम ही बनाकर अगर आगे बढ़ना है तो सवाल अपने आप को यह पूछना है, क्या आप अपनी टीम में काम करने वाले जो लोग हैं उनको आप क्या मानकर चलते हो? वो आपके लिए क्या है, एसेट है या आपके लिए क्या है, वो लायबिलिटी है? ये सवाल है मेरा आप सभी लोगों से। आपको उसका आंसर जो है वो चैट बॉक्स के अंदर मुझे देना है और मुझे बताना है आपके लिए आपकी टीम संपत्ति है या आपके लिए आपकी टीम जो है वो दायित्व है। ये मेरा सवाल है आप लोगों को, उसका आंसर आप लोग मुझे दीजिए। क्योंकि आज अगर आपकी टीम आपके लिए अगर एसेट बनी हुई है तो वहां पर आपको समझना पड़ेगा कि वो एसेट है तो कैसे, और दूसरा अगर आपको लग रहा है कि मेरी टीम जो है वो मेरे लिए लायबिलिटी है तो ये भी आपको समझना पड़ेगा वो लायबिलिटी है तो कैसे। क्योंकि आज अगर आपने अपनी टीम को क्या समझकर आप उनके साथ काम कर रहे हो उसी के हिसाब से आपकी टीम जो है वो आपको रिटर्न देगी। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा कि जब भी आप अपनी टीम को एसेट मानते हो तो आपकी टीम किस तरीके से काम करेगी। जब आप अपनी टीम को एसेट समझते हो, जिम्मेदारी समझते हो, तो जिम्मेदारी एक ऐसी चीज होती है जिसको हमें ऑलवेज एक ऐसी जगह पर रखना होता है जिसको हम अच्छी तरीके से संभाल सकें। जैसे कि जो भी चीज आपके लिए एसेट है और एसेट के अंदर अगर हम बात करें तो गोल्ड अगर आपके लिए एसेट है, सोना अगर आपके लिए एसेट है तो वो सोना आप कहाँ रखोगे और कैसे रखोगे? तिजोरी के अंदर हम बढ़िया ढंग से संभाल के रखेंगे अपने घर के अंदर और प्रॉपर ढंग से उसका ध्यान भी रखेंगे? तो उसी तरीके से अगर टीम आपके लिए एसेट है तो आपकी ये जिम्मेदारी बन जाती है उनको भी आपको उसी तरीके से संभाल के रखना है। क्योंकि वो अगर आपके लिए एसेट है तो आपको क्या उसका रिस्पांस मिलेगा वो आपको समझना है। कि अगर आपकी टीम आपके लिए एसेट है तो सबसे बड़ी चीज सोर्स हो जाएगा हैप्पी कस्टमर्स का। आपकी टीम आपके लिए अच्छे कस्टमर को बिल्ड करने का काम करेगी और आपके कस्टमर को हैप्पी करने का काम आपकी टीम करेगी। जब आप ये समझ लेते हो कि मेरी टीम मेरे लिए एसेट है तो सबसे बड़ी चीज होती है प्रॉफिट। तो किसी भी कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज करने का काम जो करती है वो टीम करती है और उसी टीम को जब हम संपत्ति समझते हैं तो वो भी कंपनी को ग्रो करने के लिए अपना एफर्ट्स 110% देते हैं।
फिर बात करते हैं आपकी टीम जो है वो आपके ब्रांडिंग ब्रांड एम्बेसडर है, क्योंकि कई बार एज अ ऑनर आप सब जगह अवेलेबल नहीं होते हो, लेकिन आपकी टीम ही होती है जो हर जगह अवेलेबल होती है, आपके कस्टमर के साथ, आपके वेंडर के साथ, आपके सप्लायर के साथ, आपके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। तो हर जगह वो अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, तो वो ब्रांड एम्बेसडर आपके बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी एसेट्स है। फिर आपको समझना है सर्विस कोऑर्डिनेटर। कई बार हम सेल्स तो कर लेते हैं, कई बार हम चीजों को बेच तो देते हैं, लेकिन बेचने से पहले कुछ चीजें करनी होती है और कुछ चीजें बेचने के बाद भी करनी होती है। तो ये दोनों चीजों को करने के लिए आपको चाहिए टीम, और वो टीम ये चीजों का बेड़ा जो है वो खुद उठाती है। रिसोर्स हो जाता है नए नए आइडियाज और नए नए सजेशन के लिए, क्योंकि आज अगर आप एक अच्छे लेवल पर ग्रोथ कर रहे हो और आपको नेक्स्ट लेवल पर अगर जाना है, तो आपकी टीम जो होती है वो डेली मीटिंग, वीकली मीटिंग, मंथली मीटिंग करके उसमें आपको आइडियाज देती है, आपको सजेशंस देती है। और बहुत सारी कंपनियों के अंदर मैंने देखा है सजेशन बॉक्स बना हुआ है। तो मैं आपको रेकमेंड भी यहां पर करना चाहूंगा कि आपकी कंपनी में अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आपको भी एक सजेशन बॉक्स बनाना है और वहां पर सबके सजेशन लेने हैं। ये आपकी कंपनी के लिए और आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर आपकी टीम आपके लिए एसेट है, आपकी टीम अगर आपके लिए संपत्ति है, तो ये सारी चीजों का बेनिफिट जो है वो आप ले सकते हो, आपकी कंपनी को मिल सकता है। अब हम आगे बात करेंगे कि ये सारी चीजों को समझने के बावजूद भी क्यों आज इंडिया के अंदर 42% मैनेजर्स ऐसे हैं जो फेल हो जाते हैं खाली पहले 18 महीने के अंदर। तो 18 महीने के अंदर अगर 42% मैनेजर्स लोग जो फेल हो जाते हैं, उसकी कुछ ऐसी वजह है जो वजह वो समझ नहीं पाते हैं। कई बार हमें खुद को ये क्लियर ही नहीं होता है कि मैं इस काम के अंदर फेल क्यों जा रहा हूं। बार बार मेरे वहां लोग आ रहे जा रहे। मैं एक स्कूल खोल के बैठ गया हूं ऐसा मुझे फील हो रहा है। मेरे वहां ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन गया ऐसा मुझे फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने लोग होने के बावजूद भी काम तो मैं खुद ही कर रहा हूं। तो ये सारी चीजों का फीलिंग अगर आप लोगों को आ रहा है, तो जाने अनजाने में हमारे से एज अ मैनेजर कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिस गलतियों को आज हमें समझना है और उसको सुधारना है। देखते हैं क्या गलतियां होती है और क्यों इतने लोग जो है वो फेल हो रहे हैं। तो यहां पर बताया गया है कि कमिंग टूगेदर एज अ बिगिनिंग, कीप टूगेदर इज अ प्रोसेस और वर्क टूगेदर इज अ सक्सेस। इसका मतलब ये होता है कि साथ में आ रहे हो तो शुरू होने वाला है। अगर साथ में गैदर होकर अगर वर्क करना शुरू कर रहे हो तो प्रोसेस होने वाला है, लेकिन आपने वर्क करना अगर शुरू कर दिया एक साथ, तो वो सक्सेस को हासिल करने में आपको कंट्रीब्यूशन देगा। तो आपको साथ में आना भी है, कीपिंग भी करना है और वर्क भी करना है, तब जाके आपकी कंपनी जो है वो सक्सेसफुल होगी, तब जाकर आप खुद एक सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे। क्या आप बनना चाहते हैं? यस। तो व्हाई डू मैनेजर फेल, जो मैंने आप लोगों को बताया कि क्यों एक मैनेजर जो है वो इतने सारे एफर्ट्स करने के बावजूद भी फेल हो जाते हैं, क्यों बहुत सारी कंपनियों के अंदर काम करने वाले जो सीनियर पोजीशन के जो लोग हैं वो अपना 110% देने के बावजूद भी कंपनी को जो रिजल्ट उनको प्रोड्यूस करके देना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं, उसकी वजह हम जानते हैं। और वो वजह क्या निकल कर आई है? सबसे पहला, अनएबल टू मेक द ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कंपनी के अंदर कि जो कंपनी के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए, जो परिवर्तन लाना चाहिए, जो चेंज लाना चाहिए, वो लाने में ही फेल हो जाते हैं। जैसे कि बहुत सारी कंपनियों के अंदर हमने प्रैक्टिस करवाई है कि रोज मॉर्निंग में आपको प्रेयर से अपनी कंपनी की शुरुआत करनी है, दिन की शुरुआत करनी है, फिर तो एक गेट टूगेदर करके आपको डेली मॉर्निंग मीटिंग लेनी है, फिर तो आपको सभी चीजों के नियम को फॉलो करवाना है,
तो बहुत सारी चीजें ऐसी करनी होती है जो कंपनी को ट्रांसफॉर्मेशन करने का काम करती है, लेकिन एज अ मैनेजर वो चीज आप कंटिन्यू करवा नहीं पाते हो। जो बदलाव आपको लाना चाहिए वो बदलाव आप टाइम टू टाइम नहीं ला पाते हो, उसके कारण बहुत सारे मैनेजर्स जो है वो फेल हो जाते हैं। क्योंकि आपको बोला गया होता है करना और करवाना, तो करना हो जाता है, करवाना नहीं हो पाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बार बार लगातार चेंजेस लाना जरूरी है, परिवर्तन संसार का नियम है, तो उसको अपनाना है। दूसरा, हम कई बार ये हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कई चीजों के, कि अपने दम पर काम पूरा करेंगे। जब कोई भी लीडर किसी मैनेजर्स को कुछ काम दे देता है तो वो इंसान यही सोच लेता है ये पूरा काम तो मुझे ही करना है और मैं ही मेरा बेस्ट दे दूंगा। अब इस चक्कर के अंदर होता यह है कि काम करने वाली टीम है, लोग है, लेकिन लोग उस काम को कर नहीं रहे, आप ही कर रहे हो। तो भाई साहब, आप कब तक करने वाले हो और कितना टाइम करने वाले हो? क्योंकि आपको अगर एक बड़ी कंपनी को अगर बनाना है तो उस कंपनी को बनाने के लिए आपको ऐसे लोगों को तैयार करना पड़ेगा जो अलग अलग काम के अंदर एक्सपर्ट हो। कई बार कई लोगों का ये क्वेश्चन रहता है या कई लोग मुझे ये बोलते हैं कि सर, जब लोगों को सब कुछ सिखा देते हैं ना तो लोग छोड़कर चले जाते हैं। कितने लोगों को ये प्रॉब्लम है? या कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जब लोगों को सारी चीज़ें हमने बता दी होती है उसके बाद लोग जो है वो कई बार कंपनियों को छोड़कर चले जाते हैं और हम फिर से जीरो जीरो पर आ जाते हैं। तो ये अगर प्रॉब्लम आप लोगों को आ रहा है तो मेरा ये सवाल है, आपके आजू बाजू में जितनी भी बैंक्स हैं, जितनी भी अलग अलग कंपनियां हैं जो अच्छे लेवल पर काम कर रही है, उनके वहां पर भी लोगों का आना और लोगों का जाना चलता रहता है, फिर भी वो कंपनी कभी बंद नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास एक फॉर्मूला होता है, वो बाकी लोगों को तैयार करने का काम कंटिन्यूस बेस पर करते रहते हैं और वो सारी चीज़ों की जिम्मेदारी किसी एक इंसान के ऊपर नहीं रखते, वो सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटते हैं, जो आपको भी बांटनी चाहिए। अगर ये नहीं बांटेंगे तो आप भी फेल हो सकते हो। तीसरा रीजन पता चला, पुअर ट्रीटमेंट हम करते हैं या पुअर चीजों का व्यवहार हम करते हैं लोगों के साथ, कुछ इस तरीके से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छा काम करने वाले होते हैं, कुछ लोग जो ऐसे होते हैं कुछ नहीं करने वाले होते हैं। तो कई बार अच्छा काम करने वाले को जो रिवॉर्ड देना चाहिए वो हम नहीं दे पाते हैं, और जो लोग अच्छी तरीके से काम करने के बावजूद भी अगर उनको इस तरीके की ट्रीटमेंट मिलती है तो वो जाने का प्लानिंग कर लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वो ट्रीटमेंट देनी चाहिए लेकिन उनकी मास्टरी होती है कि वो काम करने का जो ढोंग है वो बेहतर कर लेते हैं, तो उसके कारण वो लोग जो है वो बच जाते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी ट्रीटमेंट किस तरीके से करनी है और किसके साथ करनी है। वो करने में जब आपकी गलती होगी तो अच्छे लोग छोड़कर चले जाएंगे और जो अच्छे नहीं है वो रह जाएंगे, वो नहीं होना चाहिए। फिर क्या गलती हमारी होती है? चौथी फेलिंग हम हो जाते हैं मैनेजमेंट के अंदर। कई बार हमें खुद को पता ही नहीं होता है लोगों को मैनेज करना कैसे है, लोगों को लाना कैसे है, लोगों को तैयार कैसे करना है, लोगों से काम करवाना कैसे है, लोगों से काम लेना कैसे है। तो ये सारी चीजें जब हमें पता नहीं होती है तो कई बार दिक्कत ये होती है कि लोग आते तो है, अच्छे परफॉर्म करने वाले भी होते हैं, लेकिन उनसे काम हम ले नहीं पाते। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर हम फेल होते हैं, और मैनेजमेंट के अंदर जब आप फेल हो जाते हो तो आपकी टीम में काम करने वाले लोग आपके वहां रुकते नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके सिस्टम जो होती है वो उस लेवल पर तैयार नहीं होती है कि लोगों को काम करने में आपके साथ मजा आए। तो ये गलती कई बार हम एज अ मैनेजर कर लेते हैं। फिर हमारी गलती क्या हो रही है? द मी ओनली सिंड्रम्स, मतलब सब कुछ मैं ही हूं, सब कुछ करने वाला मैं ही हूं और सब कुछ मैं ही करूंगा, सारी चीजें मेरे से ही होगी और सारा काम मेरा ही है। तो जब मी वाली मेंटालिटी आ जाती है, जिसको छोड़कर आपको मेंटालिटी लेकर आनी है वी,
इसको उल्टा कर देना है, मी की जगह कर देना है वी, और मी की जगह जब आप वी कर देते हो तो आपकी टीम का हर बंदा ये सोचता है ये काम हमें मिलकर करना है, मुझे अकेले नहीं करना है। तो कई लोग जो होते हैं वो ये सिंड्रम्स के अंदर रहते हैं कि सब कुछ मैं ही हूं और सब कुछ मैं ही करूंगा और मैं ही करता रहूंगा। तो एक बात आपको बता दो कि एज अ मैनेजर आपका काम अच्छे लोगों को लाना और उनको तैयार करना है, न कि खुद ही सब कुछ करना। एक लेवल पर कंपनी के इनिशियली लेवल पर आपने सब कुछ खुद किया होगा, लेकिन अब आपको अलग अलग डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट लोग चाहिए जिसकी मास्टरी पर्टिकुलर उस काम को लेकर होनी चाहिए, न कि आप खुद ही मल्टीटास्कर बनकर रह जाओ। ये आपको समझना पड़ेगा। फिर बात करते हैं, फियर होता है एक्शन का। कई लोगों को पता है, सब कुछ पता है, सब कुछ जानते हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसके बावजूद भी उन लोगों का एक्शन जो होता है वो नहीं होता है। और ये एक्शन न होने के कारण कहते हैं ना कि रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी सड़ना शुरू कर देता है। तो उसी तरीके से बहुत सारे लोगों की जिंदगी के अंदर जब वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं, ठहराव लेकर आ जाते हैं, तो वो ठहराव के कारण कई बार वो खत्म भी हो जाते हैं। तो आपको ऑलवेज एक एक्शन में रहना है और जो सिचुएशन आपके सामने आए उसका सामना करना है, उसके सामने आपको लड़ना है और आपको एक्शन मोड में रहना है, उससे डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। फिर कई बार हमसे ये गलतियां हो जाती है, परिवर्तन के लिए हम असमर्थ होते हैं। चेंज करना जरूरी होता है, ड्रेस कोड लाना जरूरी होता है, सिस्टम को बिल्ड करना जरूरी होता है, ओपनिंग का सिस्टम होना चाहिए, क्लोजिंग का सिस्टम होना चाहिए, परचेसिंग का सिस्टम होना चाहिए, सेल्स का सिस्टम होना चाहिए, हर तरीके के सिस्टम की आवश्यकता आपको होती है, लेकिन आपको खुद को ही वो नॉलेज नहीं होता है कि इसको बिल्ड कैसे किया जाए। और कई लोग ये भ्रम में रहते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, तो उस भ्रम से आपको बाहर आना है और आपको समझना पड़ेगा कि ये चेंजेस जो है, बदलाव जो है, वो आपको अपने आप को भी लगातार करते रहना है। एक बेस्ट एग्जांपल आपको यहां पर देना चाहूंगा जिससे आपको क्लियरिटी होगी। बहुत टाइम पहले सभी लोगों ने छोटे मोबाइल फोन जो है वो यूज कर रहे होंगे, जो नोकिया के थे। कुछ टाइम के बाद आपने टच स्क्रीन यूज करना शुरू कर दिया है और उसके बाद भी एडवांस वर्जन आने वाला है कि टच स्क्रीन भी नहीं रहेगी। तो इसका मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पहले के काम करने के तरीके अलग थे, आज काम करने के तरीके अलग है और आने वाले टाइम में भी काम करने के तरीके में चेंज आने वाला है। तो वो बदलाव जो आपके कंपनी के अंदर या आपकी फील्ड के अंदर आने वाला है उसको पहले से एक्सेप्ट करो और उसके ऊपर काम करना शुरू करो। अगर लेट हो जाओगे तो रह जाओगे। फिर क्या गलतियां हमारे से होती है कि फियर होता है बिल्ड अ ग्रेट टीम। हम कई बार इस तरीके का फियर अपने अंदर लेकर आ जाते हैं या डर अपने अंदर लेकर आ जाते हैं कि मैं एक बेहतरीन टीम का निर्माण नहीं कर सकता, मुझे उसका डर है। और जब बेहतर टीम का निर्माण आप कर नहीं सकते हो तो थोड़ी कड़वी बातें मैं आप लोगों को बोलूंगा जो सुनने में आपको दिक्कत करेगी, लेकिन ये बताना मेरा काम है कि जिस काम के लिए आपको कंपनी में रखा गया है वही काम जब आप कंपनी के लिए नहीं कर पाओगे तो आपकी उस कंपनी में कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये कड़वी बातें आप लोगों को इसलिए बोल रहा हो क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है टीम को बनाना, बिजनेस बनाना ये आपका काम नहीं है, टीम को बेहतर बनाना ये आपका काम है। तो सवाल ये है, क्या आप अपनी कंपनी के अंदर वीकली सबको ट्रेनिंग देते हो? क्या आपकी कंपनी में आया हुआ जो बंदा होता है उसका इंडक्शन हो रहा है? क्या आपकी कंपनी में काम करने वाले बंदे का परफॉर्मेंस आप मेजर कर रहे हो? क्योंकि ये सारी चीज़ें कनेक्ट करती है आपकी टीम को बिल्ड करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपकी टीम में काम करने वाला एक बंदा हो, 10 हो या 100 हो, क्या उसको ग्रोथ प्लान आपने बना कर दिया है?
कि 5 साल अगर आप रुकते हो, 10 साल अगर आप रुकते हो, तो आप कहां पर होगे?